हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोनेट 23, जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। सबसे पहले सोनेट। सोनेट जो होते हैं दोस्तों, वो 14 लाइन की एक छोटी सी पोयम होती है। ये अधिकतर 10 लाइनों में होती है। एक फिक्स्ड पैटर्न में चलती है, जिसका फर्स्ट लाइन दूसरे लाइन से राइम करता है। सोनेट के बाद हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ 26 अप्रैल 1564 यूके में, और इनकी मृत्यु हो गई 23 अप्रैल 1616 यूके में। विलियम ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से आज हम एक सोनेट 23 पढ़ने जा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर ने इसमें फेयर की बात की, उन्होंने उस डर के बारे में बात की जो हमें स्टेज पे चढ़ने से पहले आता है, फिर किसी को अपना प्रेम बताने में। बारे में और जानने के लिए हम सोनेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज विद हिज फियर इज पुट बिसाइड हिज और सम फायरिंग थिंग रिप्लीट विथ टू मच ड्रीम हुज स्ट्रेंथ एब्यूडेंस वीकनेसेस हिज ओन हार्ट। फोर लाइनों का मतलब है दोस्तों, पोइट कहते हैं कि अगर मंच पे यानी स्टेज पे एक न्यू एक्टर को भेज दिया जाए जो कि परफेक्ट नहीं है, तो उसके मन में एक अनचाहा डर होता है कि मैं ये सही से कर पाऊंगा या नहीं। इसी तरह हमारे पोइट या तो डरे हुए हैं, और फिर उनके मन में किसी के प्रति क्रोध है, इसलिए उनका जो दिल है वो कमजोर होता जा रहा है, वो बात नहीं कह पा रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। के बाद हम आगे की लाइनों में देखते हैं पोइट क्या कहते हैं दोस्तों। सो आई फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट फॉरगेट टू से परफेक्ट सेरेमनी ऑफ लव्स राइट एंड इन माइन ओन लव स्ट्रेंथ सीन टू डिके ओ ई चार्ज विद बोर्ड देन ऑफ माइन ओन लव्स माइट। नेक्स्ट फोर लाइनों में पोइट कहना चाहते हैं दोस्तों, पोइट कहते हैं मेरा भरोसा करो, मैं डरा हुआ हूँ, इसी डर के साथ मैं अपने प्यार के संसार को अपने प्यार में कहना भूल जाता, पर फिर भी मैं अपने प्यार की ताकत से मैं कहता हूँ ओ अर्चर मेरे अंदर मेरा प्यार एक बोझ बन चुका है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। ये बात पोएट कहते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइन में, ओह लेट आई लुक बी देन द लोक्यूरेंस एंड डम प्रीसागर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेथ बी लेट फॉर लव एंड लुक फॉर रिकॉम्पेंस मोर देन दैट दैट मोर हैच्ड मोर एक्सप्रेस्ड। इन लाइनों में कहते हैं कि मेरा प्यार जो है वो इस सोनेट में तुम्हें दिख जाएगा, क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं कह पा रहा हूँ, मैं अपने प्यार के बोझ के तले डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें अपने प्यार की व्याख्या कर सकूँ, इसलिए मैं इसे अपने सोनेट में लिख रहा हूँ, तुम इसे पढ़ लो। और बोलने से ज़्यादा वजन तो लिखा हुआ में होता है, इसलिए हे प्रिय तुम ये पढ़ लो। इसके बाद पोएट लास्ट के दो लाइनों में कहते हैं, ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव नेथ राइट हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन वेथ। लाइनों में पोएट कहते हैं ओ चुप हो, अर्चट को कह रहे हैं ओ तुम चुप हो जाओ, और जो मैंने अपने लव में लिखा है उसे अपनी आंखों से सुनो और महसूस करो कि लव क्या है मेरा तुम्हारे लिए। सोनेट में दोस्तों पोएट अपने लवर को अपने प्यार का एहसास कराना चाहते हैं, पर वो डर रहे हैं, वो इस प्रकार उसे अपना लव के बारे में बताते हैं। यहीं पे हमारी सोनेट खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें।